So good morning, student. How are you all? I hope you are doing well and uh, free from corona and stay at home, please, guys. Because uh, right now, uh, you uh, if you sh if you move out from your house, so definitely you must be affected from the corona. So this is my personal, heartly request to you guys. Please don't move out from your house without any reason. Unnecessary nikalna. So corona ki chapit mein aana hai bus main aap ko bolungi ki you should not. Thieke, na? और वो कहना बाहर जाओगे तो अल्टीमेटली uh, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है हमें नहीं पता सामने वाले का क्योंकि सामने वाले को खुद नहीं पता कि उसको कोरोना है या नहीं है पर तो जब उसे पता चलता है तो हम लोगों को पछतावा होता है एग्जैक्टली हमें नहीं मिलना चाहिए था ठीक है अब ठीक है डिस्टेंसिंग का जो ये टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही चला जाए किसी के साथ ज्यादा गुला मिला ना जाए चलिए खैर इसके साथ ही हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ अवर थर्ड यूनिट पेटेंटिंग सिस्टम इन इंडिया बिकॉज ऑफ आप लोग को पता है हमारी कंट्री के अंदर आईपीआर लॉज पहली बात तो आई वॉन्ट टू तो डिस्कस विद यू गाइज वट इज आईपीआर आई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तो मेरे बच्चों आप ये सोचते हैं कि जो प्लांट है मशीनरी है दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है जो इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं जो पेटेंट्स होते हैं जो कॉपी राइट होते हैं जो आपके ट्रेडमार्क होते हैं दिस इज दार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्री के साथ हर चीज क्या है आपकी सेलेबल है सब कुछ है बट ये ऐसी चीज है जो हम कभी भी किसी का मतलब ये हमारी अपनी होती है और सबसे सब बड़ी बात हमारी इंटेलेक्ट से निकली हुई होती है अगर मैं बात करूँ किसी कॉपीराइट की या पेटेंट की तो पेटेंट एक ऐसा इन्वेंशन है जो अल्टीमेटली जो दूसरा नहीं कर पाया उसको मैंने किया तो अल्टीमेटली जब वो चीज एक्सक्लूसिवली मैंने की है तो वो एक्सक्लूसिवली मेरे नाम से जानी जाए इस वजह से मैंने उसके ऊपर पेटेंट लिया अरे मेरी बात समझ में तो पेटेंट एक तरह का एक इन, इन्वेंशन है जो अल्टीमेटली हम लोग करते हैं क्या करने के लिए दुनिया को बताने के लिए और उसका सही यूज बताने के लिए और दूसरों के दूसरों के काम लाने के लिए क्योंकि ये जो चीजें होती हैं जो अल्टीमेटली हम लोग बनाते हैं वो चीजों को इजी करने के लिए बनाते हैं उसका बेस्ट यूज बताने के लिए बनाते हैं तो अल्टीमेटली पेटेंट पेटेंटिंग सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर बहुत टाइम बाद क्या किया गया उसकी इसकी जो इसके जो बेनिफिट्स हैं इसकी जो एडवांटेजेस वो रियलाइज की गई ठीक है सो

वेन uh, के यू uh, uh, के तो क्या कहते हैं रजिस्टर योर क्या कहते हैं इन्वेंशन तो अल्टीमेटली द अथॉरिटी ग्रांट यू पेटेंट फॉर द्वेंटी ईयर्स इन द फर्स्ट टाइम आधी मेरी बात समझ में आपको पहली बार में बीस साल के लिए ग्रांट किया जाता है बीस साल में भी ये नहीं है कि वो आपका बीस साल तक कंटिन्यू करेगा एवरी ईयर एवरी टू ईयर्स यू है दो साल के बाद उसको रिन्यू कराया तो कंटिन्यू अदरवाइज हो जाएगा, हो जाएगा और दूसरा बंदा उसको अपने नाम से ले सकता है ठीक है ना तो वही यहाँ पर बताया कि और वो भी ऐसा नहीं कि पेटेंट की आप गए आपने पेटेंट अथॉरिटी को बोला मुझे पेटेंट दे दो तो वो पेटेंट मिल गया आपको ऐसा नहीं होता है यू हैव टू गिव दैप का द प्रोसीजर बाय विच यू कैप का क्रिएट द इनवेंशन क्लियर हो गया जो आपने इन्वेंटिव स्टेप उठाए उसको क्या करने के लिए इन्वेंशन को करने के लिए ठीक है वो यू हैव टू डिस्कलोज इन द आपका का वेन्यू ग्रांट द कैप आपका वेन्यू गिव द क्या आपका एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग द पेटेंट

लिटरेसी वर्क ठीक है इज आपका म्यूजिक वर्क द आर्टिस्ट जो होते हैं एंड आपका सॉफ्टवेयर डेवलपिंग जो होता है ठीक है ये सब कॉपी राइट लिया जाता है और एक ही चीज के लिए कई लोग कॉपीराइट ले सकते हैं जैसे कंपनी लॉ की बुक मैंने भी लिखी तुमने भी लिखी दस लोगों ने लिखी तो वो क्या ले सकते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं बट इन्वेंशन जो पेटेंट होता है पर्टिकुलर इस वक्त है कि आपका पर्टिकुलर क्या आपका इन्वेंशन कि जब आपने किसी चीज कोई नई चीज बनाकर निकाली चाहे चाहे सर के दर्द की दवाई है ठीक है उसका साल डिफरेंट होना चाहिए तो भी आप क्या कर सकते हैं उसके लिए पेटेंट ले सकते हैं तो पेटेंट इज जस्ट फॉर आपका इन्वेंशन एंड ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क इज जब वेन यू वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट यूअर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट तो सबके भाई देखो कपड़ा मैं भी पहनती हूं कपड़ा मतलब अगर कपड़ा मैं भी बनाया है मैं नहीं बनाया कपड़ा तुमने बनाया बट आई वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट माई प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैप आपका क्लोथ ठीक है तो उस केस में मैं क्या कर ले मैं क्या कर लेती हूँ उसके लिए ट्रेडमार्क बना लेती हूँ हम गाड़ियां तो आपको पता है कि गाड़ियों का काम क्या करना होता है हम एक जंगे से मतलब वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है आ रही मेरी बात समझ में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर उसको पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है पर अल्टीमेटली आपने देखा होगा जैकवार पे अलग साइन है लंबोग पे अलग साइन है आपका क्या कहते हैं ओडी पर अलग साइन है अलग क्या है, सिंबल है मतलब लग, अलग ट्रेड मार्क है मारुति के जो कारें हैं उस पर अलग है सुजुकी पे अलग है हुंडई पे अलग है तो अल्टीमेटली सबके ऊपर क्या है आपके अलग अलग क्या बने हुए हैं मार्क बने हुए हैं तो वो डिफरेंशिएट करता है किसको सभी कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छा भाई ये हुडे की कार है पता चल जाता है एच बना हुआ होता है राउंड शेप में तो वो हुई की कार है क्लियर हो गया वो भागता हुआ टाइगर सा बना हुआ था जेगवा है अच्छा वो चार छल्ले बने हुए थे तो दिस इज ऑडी आ आरे मेरी बात समझ में तो ये ट्रेड मार्क्स डिफरेंशिएट कर देता है भाई ये किसकी क्या है प्रोडक्ट है आ अरे मेरी बात समझ में ठीक है तो इसी तरीके से क्या है आपका पेटेंट होता है पेटेंट में आपका मेंशन होता है ये बंदा कौन कौन कैसे कैसे किसने किसने कैसे बनाया इज एन इन्वेंशन ऑब्वियसली इन्वेंशन मीन्स एनी न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिल्कुल सही बात है पहला बात पहली बात इन्वेंशन का मतलब होता है नया चीज या उसका प्रोसेस नया उसको बनाने के लिए ये नहीं कि आपने क्या किया आपने तीन चार साठ लिए सबको क्या किया मर्ज किया ठीक है और आपने क्या कर दिया बना दिया ऐसा नहीं होता है आपने क्या किया अपने तरीके से उसके इन्वेंटिव स्टेप उठाए चाहे भले आपने दूसरे की मदद ली ठीक है पर आपने प्रॉपर तरीके से उसका जो आ, काम किया है वो अपने तरीके से किया है और जिसको इस्तेमाल किया जा सकता हो क्योंकि देखिये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे इन्वेंशन होते हैं है, बट दे आर नॉट फीजिबल प्रैक्टिकली फीजिबल जैसे अगर मैं बात करूं दिस इज अ वेरी गुड इन्वेंशन बट इज इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल जैसे आपकी ट्रेन होती है ट्रेन में आपके वॉशरूम्स होते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो एक ऐसा पाथ होता है वो एक ऐसा बात होता है जो नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है तो इसीलिए ट्रेन में वॉशरूम होते हैं ठीक है क्लियर हो गया जाते हम भी गाड़ियों से क्या है जो हमारी नॉर्मल ये कार्स होती हैं इससे हम लोग बहुत दूर दूर जा सकते हैं बट वाई वी आर नॉट प्रीफेर दैट कार फॉर द लॉन्ग रूट बिकॉज आपको पता है कि कार में आपके वॉशरूम वगैरह नहीं होते हैं कई बार सम टाइम द पीपल रियलाइज की नहीं भाई होना चाहिए ठीक है कि कार में भी होना चाहिए तो कार में अगर हम छोटी कार में इसको सोचेंगे तो वो क्या करेगी नॉर्मल लोगों के चलने के लिए जो पाथ है उसको क्या करेगी मतलब स्पॉइल करेगी तो इसीलिए वो इन्वेंशन इज गुड बट इज इज नॉट क्या प्रैक्टिकली फिजेबल ठीक है ना तो अल्टीमेटली कोई चीज ऐसी जो प्रैक्टिकली फिजेबल नहीं है वो चाहे भले ही अच्छी है जिसकी पर उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज नॉट गुड तो इसलिए उसको क्या नहीं किया जाता इन्वेंशन के रूप में काउंट नहीं किया जाता आरे मेरी बात समझ में मतलब कोई भी चीज अगर आप नहीं बना रहे हैं अगर वो ऑफ यूज है अगर उसका उसका जो यूज है वो अच्छा है तो ही उसका इस्तेमाल किया जाता है वरना नहीं किया जाता है इसके अलावा अब आप देख सकते हैं टाटा ने For Bilkul, बात है। आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर द पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर ओवर 37 सेवन इन्वेंशन एंड इनोवेशन लाइक टू इट्स हाई प्रोफाइल अफोर्टेबल कार बिल्कुल कि मतलब टाटा का प्रोडक्ट आपको पता है टाटा इज अ वेरी बिग ब्रांड टाटा का प्रोडक्ट है और दूसरा क्या है आपका की उसने लाख रुपए में जहां पे एक लाख रुपए की अगर हम साठ सत्तर हजार की तो हम ले लेते हैं वहां पर उसने चार लोगों के बैठने के लिए एक नैनो कार निकाली तो इज अ वेरी बिग इन्वेंशन इज एन एग्रेसिव मूव टू प्रोटेक्ट द ब्रांड अगेंस्ट लिमिटेशन अल्ट्रा कॉम्पिटेटिव कार इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो क्लोज टू फॉलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम फॉर नैनो इन ओवरसीज मार्केट कंपनी बिल्कुल बाहर भी भेजा एंड अंपनी है नंबर ऑफ न्यू कंसेप्ट आई डे टू डेवलप डिस वीकल एंड पेट विप इन प्रोटेक्टिंग सम्स इनोवेटिव आइडिया टू ऑफिशियलोज टू डेवलपमेंट तो बेसिकली देखिए आज हमारी क्लास के लिए इतना इनफ है हमारी क्लास आज इतनी बहुत है और आपको मैं यही बोलूंगी पेटेंट के ऊपर आप यू शुड ट्राई समथिंग मतलब कि जिसे आप uh, मतलब समझ पाए या देख पाए कि एग्जैक्टली क्या चीज है कैसे है ठीक है ना चलिए इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं ठीक है ओके बाय टेक केयर